हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आ गए हैं एक और नई ब्रॉल स्टार की वीडियो में, जिसका टॉपिक है पावर लीग। और इसमें जो देख सकते हो, मैं बैन हो गया हूँ, वो भी 3 मिनट के लिए। तो हुआ यूं कि जो मैं पावर लीग के मैच खेलते हैं अपन, तो उसमें अगर आपका टीममेट या फिर आप कोई गलत ब्रॉलर ले लेते हैं, तो आप उस मैच से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो फिर एक इनबॉक्स में एक मैसेज आ जाता है कि यू एपोनेंट पावर लीग। तो अगर आप ऐसा दोबारा करोगे तो पावर लीग से बैन हो सकते हो। तो जो मैंने यही करता रहा, मतलब जब भी मुझे लगता था कि ये मैच हार जाऊंगा, गलत कॉम्बो लग रहा था, तो मैं डिस्कनेक्ट कर देता था। लेकिन जब मैंने इस बार किया तो फिर मैं बैन हो गया टेम्परेली 5 मिनट के लिए। और जो इसमें लिखा था वही हुआ, और इसमें लिखा है अब कि अगर मैंने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो फिर जो मेरा पावर लीग का है रैंक वो कम हो जाएगा, और इससे जो पावर लीग के रिवार्ड है वो भी घट सकता है। और इससे ऐसी मतलब ऐसा करने से व्यवस्था के अकाउंट के बैन होने का भी खतरा है। तो ऐसी गलती अब नहीं करूँगा मैं। और मतलब अगर मैच भी हार जाएं तो अभी ने अगर आपने 6 से 7 बार डिस्काउंट कर लिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 बार एबोनेट है। अगर उसके बाद कर लोगे तो आपके जो इनबॉक्स आप बैन हो सकते हो। अभी मेरा 2 मिनट रह गया है। तो अब बात आती है कि इसको इससे कैसे बचें, इसको बैन होने से कैसे बचें और ये रिस्क ना लें कि अकाउंट बैन हो जाए। तो इसके लिए आपको वो मैच को डिस्कनेक्ट नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैच हार सकते हो तो हार जाएं। मतलब अगर आपका पहली बार बैन हो गया हो 4 मिनट के बाद, तो उसके बाद रिस्क ना लें, क्योंकि इससे अकाउंट का बैन होने से खतरा है। वैसे जब पावर लीग आने से पुशिंग तो रुक गई है, तो आप पुशिंग कर सकते हो और आप अपनी ट्रॉफीज़ को इंक्रीज करो। अगर आपके पास टाइम बचे तभी पावर लीग खेलो। और अब परसों तो आप वो PSG चैलेंज भी आने वाला है, तो आप उसके का कॉम्बो देखिए, उसके मैप में प्रैक्टिस कीजिए। और आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताना, और सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। एंड की तब तक के लिए कीप ब्रॉलिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।